मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा की ओर से गुरुवार को शहर के गांधी चौक पर राहगीरों के बीच शरबत एवं फल का वितरण किया गया। बताया गया कि इस भीषण गर्मी और धूप को देखते हुए सड़कों पर आवागमन करने वाले राहगीरों को शरबत पिलाया गया एवं फल का वितरण किया गया। बताया गया कि राहगीरों ने शरबत की ठंडक महसूस की। शाखा की महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार इस तरह की सराहनीय पहल किए जाते जिससे आम जनता को थोड़ी सी राहत मिल सके। मौके पर शाखा के अध्यक्ष संगीता शर्मा, सचिव आशा शर्मा, उपाध्यक्ष उमा देवी, सह सचिव संगीता नवाक, रेणु शर्मा, ज्योति शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। संघ की महिला शाखा की जो विंग है, इन्होंने आज गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए सत्तू, पेयजल और तरबूज का वितरण का एक प्रोग्राम किया, जो एक सराहनीय है कार्य है। समाज में ऐसे महिला शाखाओं को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे ब्राह्मण संघ की सचिव महोदय आशा शर्मा, अध्यक्ष यहाँ पर संगीता शर्मा, संगीता नोहाल जी, उमा देवी जी, हमारे ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा जी, मैं खुद सचिव रामगोपाल पालीवाल, यहाँ पर हम लोग वितरण कर रहे हैं समाज। कहाँ पे हो रहा है ये? गिरिडीह में जैन मंदिर के पास में हम लोग इस कार्यक्रम को आज आयोजन किए हैं। आगे भी गर्मी को देखते हुए जो हम लोगों के समाज के लिए अच्छा कार्य होगा वो करते रहेंगे। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में योग्य अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनिता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।